बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जगह जगह शंख ध्वनि हो रही है, मंदिर के द्वारों पर बंधन पार लग रहे हैं। जिस मनुष्य को देखो मन ही मन मग्न हो रहा है, परंतु मैं नहीं जानती श्रीमान जी, श्रीमान जी ये क्या कारण है जो आज नगर में इतना भारी आनंद हो रहा है और इतना उत्साह है। अरे अरे क्या मालूम नहीं, कल हमारे श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, ये सब उन्हीं की तैयारी चल रही है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा 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 मालूम पड़ गया तुम्हें। अच्छा अब साइड में हो जा, थोड़ा हम काम कर ले। ओ, तो ये बात थी, रामचंद्र को राज तिलक। अभी रानी केकई के पास जाती हूँ और समझा बुझा कर भरत को राज्य दिलाती हूँ। ए मंथरा दासी, ये आज तुमने क्या हाल बना रखा है? आज सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, फिर तेरी ऐसी हालत क्यों है? हम सबने तो शीश उदा रखे हैं, तूने क्यों बाल बिखेर रखे हैं? जो तू रो रही है ये कैसे लक्षण है तेरे? क्या किसी से लड़कर आई है? भूखी है, प्यासी है? सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों तुझे दासी है? लुट गई तू शर पशर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, फट गया तेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, हो गया बर्बाद कर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। बार दुश्मन ने किया, तुझको खबर कुछ भी नहीं। तू बताती क्यों नहीं, आखिर हुआ क्या है? बड़ा घमंड था कि राजा जी तो आपको सबसे अधिक चाहते हैं। उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तुझे घर की दासी और भरत को दास कर दिया। मंत्रा पहेलियां मत बुझा, सच बचा सच बताओ, बात क्या है? पहेलियां अभी क्यों समझ में आएंगी, पता तो तब चलेगा जब वो कल राजगद्दी पर बैठेगा और अयोध्या का राजा बन जाएगा।
तुझसे बर्तन बनवाएगा और भरत से चुतिया उठवाएगा। बस यह खबर लाई है, इतनी घबराई है। तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं, पर मुझे तो सर से पांव तक भस्म कर दिया। और तुमने ये बात हंसकर उतार दी। राम को राजगद्दी होगी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग जागे, यह घड़ी किस्मत से आई है। तुम्हें तो कहना था इस वक्त रानी बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर, जितना प्यारा है भरत उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है। फेंक दो अपने भरत को राम से वार कर। अरे तुम क्या फेंक दोगी, किस्मत ने तो हमें पहले ही फेंक दिया। तभी तो भेजने वालों ने भरत को कोसों दूर नौनिहाल भेज दिया। यही तो उन्होंने फायदा उठाया है, वरना कल का कल राजतिलक का क्या मतलब। ये बात है कि भरत यहाँ पे मौजूद नहीं है। मंत्रा, यह तेरी खता नहीं, सब तेरे कुंभ की खता है। सुना रही है जो मुझे अनाज की बातें, भरा है क्या तेरे मग में समाज की बातें। सुनोगी जब किसी नवजहाज की बातें, फिर याद आएगी मुझ नामराद की बातें। दमड़ी दमड़ी तक की मोहताज हो जाओगी, फिर इस कुछ को हमदर्दी का बुख्या कहोगी। याद रखना, अगर घर में रहोगी तो कुशल्या की दासी बनकर रहोगी। कुशल्या देवी, अगर मुझे अपनी दासी बनाकर रखे, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। ऐसी पवित्र हृदय वाली कहां पैदा होती है। राम पुत्री आंख की और आंख के तारे भरत, राम प्यारे हैं भरत से, राम से प्यारे हैं भरत। ऐसी बातों का ध्यान न कर, मुझे मेरे राम की तरफ से यूं बदगुमान न कर। बहुत बहकाने से वेदना भी भैग जाती है। आखिर मैं तो स्त्री हूं, मेरे कान न भर। राम राम ही है, मुझे तो राम सगी मां से भी ज्यादा प्यार करता है। यही तो राम की कुटरनीति है, जिसे आप नहीं समझ सकती। मैं खूब समझती हूं, परमात्मा का उपकार है कि कल अनुमें राज सिंहासन पर शोभाए मान देखेंगे। निकलेंगे अरमान दिल के और हसरत जान की, एक जानी राम होगे एक जानी जान की। ले, मैं इस खुशी के मौके में ये उपहार तुझे भेंट करती हूं। धरा रखो, मैं ऐसे कुछ समय में उपहार नहीं लेती। मान बैठी थी दिन खुशी का, है मातम की।
की घड़ी मान बैठी दिल खुशी का, बस है ये गम की घड़ी। शोक छा जाएगा गम में चेहरा ऐब साहब का, बैठी को फेर देती एक जा, जा चली जा, मैं बहुत जब कर चुकी हूँ। दुष्टा राक्षसी खबरदार, ऐसी बातें जुबान से निकाली तो जान से मार दूंगी। मार डालो मुड़कर जी कर करना भी क्या है, यूं भी मरना है और यूं भी मरना है। क्या किया एक दमख्वार का यह तिरस्कार, एक अनुभवी तजर्बेकार का इतनी फटकार। अब मेरा दिल साक्षी कहता है इसकी दूरंदेशी भेद से खाली नहीं है। मेरी आंखें दिखाना भी ना माना, इसकी आंखों ने यह सच कहती है, देखा है जमाना इसकी आंखों ने। मंत्रा प्यारी मंत्रा, नहीं नहीं मुझे मारने की युक्ति कर ही डालो। तुम्हारी दुर्दशा मैं इन मंत्रों से नहीं देख सकती। कल्याणी, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? तुम्हारे साथ भलाई करने में मेरी मौत का समान हो गया। नहीं रानी, उदास न हो, रास न हो। जो मैंने अपनी नादानी से कुछ बातें नहीं समझी तू समझा दे। इधर आ, क्या कहती है अब बता। मैं फिर वही झक मार रही हूं, अभी भी कुछ नहीं गया। अपने सुहाग की शक्ति को आजमाओ और भरत को राज दिलवाओ। वो राम राजगद्दी पर बैठते ही संकट में डाल देगा और तुम दोनों को एक ही दिन में घर से निकाल देगा। आहा, ये अच्छी तरह क्यों नहीं समझाया? यकायक कह दिया, मैं घबरा गई। अब तरीके से कहा, बात समझ में आ गई। जरा सी कसर रह गई वरना भाग्य फूट जाता। हाय, अब क्या करूं, तीर तो कमान से छूट चुका है। नहीं नहीं अभी तो बात तुम्हारी मुट्ठी में है। वो कैसे? जब राजा निमि ध्वज से युद्ध कर रहे थे तब तुमने महाराज की मदद की थी, जिसके बदले में महाराज ने तुम्हें दो वरदान देने को कहा था। हाँ हाँ, मुझे याद आया, उन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। तो फिर इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? वो वरदान आज ही मांग लो। किंतु क्या मांगूं? तो सुनो रानी, एक को भरत को राज और दूसरे में
राम को 14 वर्षों का वनवास। बस मेरा जीवन हुआ मशवरा और ये ध्यान तेरा, मैं भूलूंगी ये मंत्रा, उम्र भर एहसान तेरा। पर ध्यान रहे, वो तुम्हें किसी दूसरे लालच में ना लाए। यह कभी नहीं हो सकता। दुनिया में 3 हठ मशहूर हैं, बाल हठ, राज हठ और त्रिया हठ। मैं हूं त्रिया, छोड़ने वाली नहीं जिन हार हठ। राज हठ होगी उधर से और इधर होगी नार हठ। शाबाश। बस हार श्रृंगार, खाना पीना तब तक नहीं होगा जब तक राम को वनों में नहीं भेज दूंगी। होगा दोनों तरफ से ही राजा का नुकसान, या तो हारे का वचन या फिर देगा बता। पूरी जिंदगी होगी या पूरी आसी, या तो वर लेके उठूगी या उठेगी।